आने वाले वक्त में लास्ट माइल कनेक्टिविटी के लिए ई रिक्शा के रोल को हम बढ़ता हुआ देखेंगे। जहां कई कंपनियां ऐसी सवारियां बाजार में ला चुकी हैं, हाल फिलहाल में उनकी सुरक्षा के लिए नए मापदंड आने के बाद से मार्केट रेगुलेट हो रहा है और नए प्रोडक्ट भी आ रहे हैं। जैसे ओके प्ले कंपनी लेकर आई है नया ई रिक्शा ई राजा के नाम से, जिसकी कीमत लगभग 1.25 लाख रुपए रखी गई है। इसके बारे में कंपनी का दावा है कि इसकी खास प्लास्टिक बॉडी मेटल से ज्यादा मजबूती देती है और जंग रोधी भी है। गवर्नमेंट भी अब धीरे धीरे स्टेप ले रही है इनके रिगार्डिंग, डीजल इंजन वगैरह जो चल रहे हैं ऑटो, जो ओल्ड मॉडल पुराने भी चल रहे हैं, आज भी चल रहे हैं, वो धीरे धीरे अपना कम होते जा रहे हैं। कुछ गवर्नमेंट की हेल्प हो रही है, कुछ लोग खुद समझदार हो रहे हैं। एक कंपनी का ब्रांड नेम गलत होता है जहाँ चाइना की बात आती है, वो एक अलग चीज़ होती है। आजकल कस्टमर भी हर चीज़ चाहे छोटी छोटी चीज़ लेता है, बड़े से बड़े लेता है, वो कहता है यार चाइना मत ले, ब्रांडेड ले। हाल फिलहाल में इस सेगमेंट में कई चाइनीज प्रोडक्ट की भरमार हमने देखी थी। अब सरकारी एजेंसियां जैसे आईकैट सुरक्षा के मापदंड पर इन सवारियों को चेक कर रही है। ऐसे में ज्यादा भरोसेमंद प्रोडक्ट्स हम सड़कों पर आता हुआ देखेंगे और बेहतर होता इंफ्रास्ट्रक्चर भी।